हड़ताल की वजह से बूंदी के बस स्टैंड पर बसें खड़ी नजर आईं। बूंदी जिले से अलग अलग कस्बों से बसों का संचालन होता है। एनडीटीवी राजस्थान संवाददाता सलीम अली ने बस स्टैंड पर चक्का जाम का जायजा लिया और पदाधिकारी से बातचीत की। पदाधिकारी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर गई, ये तो एक सांकेतिक चेतावनी है, अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। पूरे राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल है, बसों के पहिए थमे हुए हैं, जो निजी बस स्टैंड है वहां पर बसों को खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं इस समय बूंदी के मीरा गेट बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से जो बसें हैं वह चक्का जाम होकर यहाँ पर खड़ी हुई है। बसों के पहिए पूरी तरह से थम चुके हैं। मीरा गेट का बस स्टैंड यहाँ पर बूंदी जिले की सभी इलाकों में जो है बसें जाती है और यहाँ से जो यात्री है वो अपना सफ़र करते हैं, लेकिन बसें का जो चक्का जाम है उसके चलते जो है यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम तस्वीरों आपको दिखाएंगे कि सामने यात्री मौजूद है और अपनी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आएगी, लेकिन बस जो है अभी तक नहीं आएगी क्योंकि बस की हड़ताल है और हड़ताल की वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हड़ताल पर उतरे निजी बस संचालक एसोसिएशन के लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से इस क्यों हड़ताल पर उतरे हैं आप। हमने पूर्व में परिवहन आयुक्त मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को विज्ञापन दिया था, उसमें से हमारे कुछ मांगे मंजूर की गई थी, आश्वासन दिया गया था हमारे को, पर वो आश्वासन के बाद भी आज तक एक भी मंजूर मांगे मंजूर नहीं हुई हमारी। उसके बाद ओम जी बिरला जी स्तंभ पर गए, बिरला जी ने ये कही कि मैं आपको दो तीन दिन में मुख्यमंत्री से बात करके बताता हूँ। उसके बाद भी हमारी मांग का कुछ भी नहीं हुआ, अंत में हमें एक दिन की हड़ताल करनी पड़ी है और अगर भविष्य में हमारी मांगे मंजूर नहीं गई आई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे हम। देख सकते हैं कि ये प्राइवेट एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, इनका कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरह से जो है सड़कों पर जो है निजी बसें वो नहीं चलाएंगे। इनका कहना है कि सरकार ने हमसे वार्ता की और हमारी 15 मांगे मान ली, लेकिन उसका एक आदेश जारी नहीं किया जिसके चलते इन्हें आघात पहुँचा है। अब इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करे ताकि हम वापस से सड़कों पर अपने वाहनों को चला सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।